2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन राजनीति अभी से ही कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर सपा जो है यहाँ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। वजह यही है कि भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति जो है वो बनवाई जा रही है, साथ ही साथ भव्य मंदिर बनाने की बात कही जा रही है सपा की तरफ से, पार्क बनवाया जाएगा, तमाम चीज़ें जो कवायद की जा रही है सपा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को साधने के लिए। ये रिपोर्ट देखिए। इसे राजनीति का तकाजा कहें या कुछ और, बीजेपी के बाद अब काम बोलता है कि नारा देने वाली समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर जा टिकी है, और इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भगवान श्री परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का फैसला भी कर लिया है। भगवान परशुराम चेतना पीठ के अंतर्गत यह मंदिर बनवाया जाएगा। लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के समाजवादी पार्टी के निर्णय पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है उस पर जरूर आपत्ति है। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। एक तरफ उनके संभल से सांसद श्री शफीकुर रहमान वर्क कहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, आज भी मस्जिद बताते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक मिश्रा जी भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, और ये सब करते वक्त समाजवादी पार्टी अपने अतीत को भूल गई। बताया जा रहा है कि जितनी भगवान परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगवाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, उतनी ऊंची प्रतिमा देश भर में कहीं नहीं है। आने वाले परशुराम जयंती के मौके पर यह प्रतिमा लगाई जा सकती है। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में परशुराम जयंती के मौके पर अवकाश घोषित था, लेकिन योगी सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला लिया था। लखनऊ से हरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।